हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। एक मेरा मुकदमा है, एक दूसरों का मुकदमा है, दोनों में असूल और ज़ाबते अलग-अलग हैं। अभी जो रिव्यू पिटीशन का जो फैसला आया है वो एक फैसला नहीं था, वो एक पैगाम था कि नवाज शरीफ को हर कीमत पर सजा दे, जज सजा नहीं देगा, ये सजा दिलवाई जा रही है। अल्लाह रहमान रहीम, सजा जो है जी दिलवाई जा रही है, मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, और सजा जो है इनको मिल रही है, किस चीज़ की मिल रही है मियां साहब को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मेरे ख्याल में, काफ़ी सारा कन्फ्यूजन मियां साहब को कि उनको सजा क्यों दिलवाई जा रही है और उनको ये इस चीज़ की अश्योरेंस है, एंड आई डोंट नो व्हाट दैट अश्योरेंस इज़, कि वो कह रहे हैं जनाब कि उनको सजा दी नहीं जा रही। What exactly is happening in the mind of Mian Muhammad Nawaz Sharif साहब, वो तो वो खुद ही जान सकते हैं, खुद ही बता सकते हैं, लेकिन कोर्ट्स में क्या हो रहा है, मुकदमा कहाँ जा रहा है, केस का बनेगा क्या, क्या मियाँ साहब को सज़ा होनी है या होने जा रही है, जिसका मियाँ साहब भी इशारा दे रहे हैं। इन मेरे जानने के लिए मैंने आफ्ताब बाजवा साहब को तकलीफ़ दी है, इरफान कादिर साहब भी मेरे साथ, सलमान अकरम राजा साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं और जस्टिस शायक उस्मानी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए। बाजवा साहब से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। बाजवा साहब, क्यों मियाँ साहब को ये फीलिंग है कि उनको सज़ा होगी नहीं, उनको सज़ा दिलवाई जाएगी, दिलवाई जा रही है? मेरे भाई, मैंने बीइंग एज अ प्रैक्टिस लॉयर, मैंने क्रिमिनल प्रैक्टिस लॉयर के चैम्बर से वकालत शुरू की। जब तो हमने क्रिमिनल साइड पे ही मैंने वकालत शुरू की, तो तब मैंने देखा और मुल्जमान जितने भी आते थे मेरे उस्ताद के ऑफिस में और मेरे सीनियर के ऑफिस में और फिर उसके बाद मेरे ऑफिस में, आपको साफ बता दूं हर मुल्जम को पता होता है कि मैंने जुर्म क्या किया, मुझे सजा क्या मिलनी है। अच्छा, ये क्लियर कट है, मेरे भाई भी इसे इस बात करेंगे, जिसने जुर्म को पता होता है कि मैंने जुर्म क्या किया है और मेरी सजा क्या है। अच्छा, इन लोगों को पता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी डिटेल हियरिंग की, रिव्यू आ गया, रिव्यू में आखिर दम तक, फिर जेआईटी की रिपोर्ट आ गई, रिव्यू आ गया, पूछते रहे कि भाई अब मनी ट्रेल अभी दे दो, अभी दे दो, ये मनी ट्रेल नहीं दे सकते, ठीक है, ना है, ठीक है, ना होती है, अरबों खरबों की मनी ट्रेल कहां से लाएंगे ये लोग जब है ही नहीं कारोबार। तो इन हालात में जब मुल्ज़िम को ये पता हो कि मैंने जुर्म किया है तो वो फिर ये बहाने तलाश करता है। बाजवा साहब, कितनी सजा हो सकती है आपके अंदाजे में? इनको 14 साल सजा होगी। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम में एक और इंसाब करता चलूं, इन्होंने एक ऑलरेडी, अभी आप नेट पे जाएं, इन्होंने कमेटी बनाई थी कौमी असेंबली के अंदर कि इसमें हम तरमीम करना चाहते हैं, उसमें तरमीम ले आए, इसको 14 साल से लाइफ इंप्रिजनमेंट में ले गए, उसमें चेयरमैन नैब के इख्तियार का सारा अख्तियार सुप्रीम कोर्ट को और दीगर लोगों को दे दिया। जब ये पनामा लीग आई तो बिल वहीं का वहीं खत्म हो गया। अच्छा। लेकिन इन्होंने, इनको पता था कि अगर ये बिल पास हो गया तो हम लोग तो मर जाएंगे, फंस जाएंगे। ये सारे माफी चाहूंगा पार्लियामेंटेरियन के मतलब ये इस्तेमाल करते हुए, ये एक ही हमाम के जटे बटे हैं, ये जो मर्जी इनसे कानून पास करा लो, इनसे चाहे आप नहली का कानून, नहल को आपने बनाना है सदर किसी पार्टी का या वजीरम बनाना है वो भी पास करा लो, इनसे कानून पास कराना है कादियानी को पास करा लो, इनसे कानून आपने अगर पास कराना है अपने ईरान बलोचिस्तान चीन इंडिया के साथ जो सरहदें लगती है वो भी पास कर देंगे, फिर बाद में कहेंगे जी सॉरी हमसे गलती होगी, हमसे क्लरिकल मिस्टेक होगी। ये वो लोग हैं, इनका क्या किरदार है, ये सिर्फ अंगूठा छाप पार्लियामेंटेरियन है, मैं आपको साफ बता दूं, इनसे कोई तोको ना रखें। लेकिन अगर बिल, अगर बाजवा साहब, अगर बिल पास नहीं हुआ और फिर आप सजा कैसे कह सकते होगी इनको? जी मेरी बात सुने, मैं एक क्रिमिनल प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं, मैंने पहले दिन से एक सबक सीखा है कि जो
दस्तावेजात हैं, जो थिंग्स हैं, जो मौजूद हैं, बिल्डिंगें मौजूद हैं, जो हकायक मौजूद हैं, जो प्लाजे मौजूद हैं, वो तो झूठ नहीं बोलते। कौम इतना पूछ रही है, अदालत ने इतना पूछा, भाई ये इतनी बिल्डिंगें, इतनी जायदाद, इतना ये कहां से आया? जब आप वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे, आपके पास नहीं था कुछ भी। जब आप पॉलिटिक्स में आए तो आपको, आपके पास ये सारा कुछ, ये राइज कर गया, किस तरह हुआ? बात सिर्फ इतनी सी है, बात इतनी सी अदालत ने पूछी है, कहां से आया? बात हम भी पूछी है। ठीक है, मनी ट्रेल नहीं दे सके, लेकिन आप किस बुनियाद पे, मैं जरा पूछना इसलिए बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ कि आपने बहुत बड़ी बात कर दी कि आपने कहा जी कि बिल भी पास नहीं हुआ, बट एट द वेरी सेम टाइम यू आर एडमेंट कि जनाब इनको सजा भी होगी मियां नवाज शरीफ साहब को, और वो 14 साल की होगी, वो कैसे बाहर है? भाई मेरी बात सुने, इनके पास डॉक्यूमेंट्री सबूत जो कोर्ट में पेश किए गए हैं, क्या उनको निगेट करने के लिए तो इनके पास एक भी नहीं है? जो आप जब उनको निगेट नहीं करेंगे, देखिए लॉयर कत्ल होता है, 10 कत्ल होते हैं, एविडेंस आ जाती है, हम कहते हैं कि गवाहान जो है ये मनोवत किए गए हैं, कोई इस शहर का है, उस शहर का, उस शहर का, ये सच नहीं बोल रहे, इसके लिए कोशिशें करते हैं, 100 हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं, उनका उनका मोबाइल डाटा इकट्ठे करते हैं, लेकिन ऐसी चीज जो डॉक्यूमेंट्री हो उसको आप जुटला नहीं सकते। ये इनके खिलाफ जितनी एविडेंस है सारी डॉक्यूमेंट्री है, इन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को और डॉक्यूमेंट्री के एविडेंस के साथ साथ वो बिल्डिंगें मौजूद हैं, वो प्लाजे मौजूद हैं, वो बैंक अकाउंट मौजूद हैं, उनकी बेसिस पे, उनकी बेसिस पे आप कह रहे हैं कि इन्हें 14 साल से जी बिल्कुल हो सकती है, और इनकी जायदादें भी जब्त होंगी और इनके अकाउंट भी मैनेजमेंट होंगे। अच्छा ठीक है, जस्टिस शेख उस्मानी साहब, डू यू एग्री विद आफ्ताब बाजवा साहब व्हाट ही हैज टू से? जी ही इज सेइंग कि मुंजमिंद होंगे, फ्रीज हो जाएंगे अकाउंट्स भी मियां नवाज शरीफ साहब के, और इनको 14 साल तक सजा भी हो सकती है। डू यू एग्री विद दिस वन जस्टिस साहब? देखिए ये तो डिपेंड करता है कैसे चलता है और कैसे उसमें एविडेंस आती है, और वो सारे चार्जेस प्रूव कर सकते हैं और मियां साहब जो हैं वो उसको डिफेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो ये तो कहना कबल अस वक्त है। लेकिन अगर फर्ज किया कि प्रोसिक्यूशन सारे चार्जेस प्रूव कर देता है जो कि उनके खिलाफ है, इस पे फर्द जो तो यकीनन उनकी सजा मैक्सिमम जो अलाउड है नैब लॉ में वो 14 ईयर्स है, तो वो तो है अपनी जगह पर, लेकिन वो तो उनकी सजा हो जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर अपील के स्टेजेस लाहौर हाई कोर्ट में जा सकते हैं। बट जस्टिस साहब आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, बट यू आल्सो एग्री विद दिस थिंग कि उनको सजा 14 साल की हो जाएगी मियां नवाज शरीफ? हो सकती है, हो सकती है, अगर अगर हो सकती है। बट व्हाट अबाउट दिस पॉइंट जो बाजवा साहब ने रेज किया है कि जो चीजें जमीन पर मौजूद हैं वो तो झुटलाया नहीं जा सकता, अगर वो चीजें मद्देनजर रखी जाए तो फिर भी आपके ख्याल में हो सकती है या उसके चांसेस कितने हैं? कभी जब भी कोई क्रिमिनल ट्रायल शुरू होता है तो उसमें कोई चीज आप कबल अज वक्त नहीं कह सकते, क्योंकि क्या इवेंचुअली क्या होगा ये पता नहीं की बात है, और एविडेंस अगर प्रोड्यूस होती है और दूसरी साइड उसको डिफेंड नहीं कर सकती तो उस सूरत में है, लेकिन बहरहाल वो लॉ में तो मौजूद है, 14 ईयर्स मैक्सिमम पनिशमेंट है। अच्छा इरफान साहब आपका क्या ख्याल है, जो चीज पर मौजूद है, जो प्रॉपर्टी जमीन पे मौजूद है, वो गवाही दे, गवाह हो या ना हो, उससे कोई इम्पैक्ट पड़ता है केस पे? जब जबकि चीजें जमीन पर मौजूद है में या केस को फर्क पड़ सकता है, कोई फर्क पड़ सकता है केस पर? बात यह है जी कि एहतसाब का जब भी कोई केस ट्रायल पे जाता है तो वहां पे ऐसे फैक्ट्स मौजूद होते हैं जो कि बेस्ड होते हैं एक रीजनेबल असेसमेंट पे, अप्रेजमेंट पे और रीजनेबल सस्पिशन पे, जिससे कि बजायर ये नजर आ रहा होता है कि ये जुर्म किया है और इसमें इनका कभी इम्कान है कि इनकी कन्विक्शन होगी, लेकिन हतमी बात नहीं की जा सकती तब तक जब तक के फैसला आपके सामने ना आ जाए, और इस केस के बहुत ओवरटोन्स हैं और ये आम क्रिमिनल केस नहीं है जो बाजवा साहब अपने दफ्तर में हैंडल करते रहे हैं,
यहाँ पे बहुत सारे लीगल इश्यूज भी अराइज हो रहे हैं। अभी आप देखें कि ये फैसला भी नहीं हो सका अभी तक कि तीन रेफरेंसेस जो है उस पर एक ट्रायल होगा या तीन ट्रायल होंगे, और अभी ये मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट गया हुआ है या मेरा ख्याल है जाने वाला है, तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट इस पर अभी उसने एडजुडिकेट करना है, और फिर हो सकता है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाए। और जिस तेजी से ये दो माह का अरसा गुजर गया है और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अरसा लिया है फाइंडिंग्स देते हुए, और वो फाइंडिंग्स तकरीबन एक ने कहा कि हमने तो अभी टेंटेटिव फाइंडिंग दी है कि इतनी डिटेल्ड हियरिंग भी हुई और उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट एक साल में टेंटेटिव अनसर्टन फाइंडिंग्स दी है, तो फिर एक्सपेक्ट करना अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से कि वो एग्जॉस्टिव फाइंडिंग्स इसमें 6 माह के अंदर अंदर, जबकि पाकिस्तान में कोई भी रेफरेंस जो है वो इतने कलील अरसे में ख़त्म नहीं होता, औसतन रेफरेंस जो है तकरीबन 1.5 से 2 साल उनको लग जाता, तो ये कहना कबल अज़ वक्त है कि इसमें सजा होगी कि नहीं होगी। अच्छा सलमान अकरम राजा साहब, आपके ख्याल में 6 मंथ का जो पीरियड है, जो डेडलाइन दी गई है, दैट इज नॉट इनफ, और उससे ज्यादा अरसा लग सकता है, और अगर ज्यादा अरसा लग सकता है 6 माह से ज्यादा, तो फिर उसके क्या मॉडस ऑपरेंडी क्या होगा, विल सुप्रीम कोर्ट और हाउ विल इट वर्क? जी देखिए, मुकदमात के हवाले से अदालतें बाज़ औक़ात वक्त का तय्यन करती हैं, आला अदालतें मातहत अदालतों को हुक्म देती हैं कि मुकदमे को इतने अरसे में निपटा दिया जाए, लेकिन अगर उस मुकदमा कानून के तकाजों के मुताबिक अपने मंतव के अंजाम तक ना पहुंच सके तो फिर अदालत नहीं होती बंदिश कि वो कानून के तकाजे पूरे किए बगैर मुकदमे को खत्म करे। अच्छा। लिहाजा ऐसी सूरत में बिल्कुल मुद्दत में तौसी की जाती है। अच्छा। कानून के तकाजों का पूरा होना ज्यादा अहम है, मुद्दत में मुकदमे का खत्म हो जाना कोई इतना अहम नहीं। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि टाइम जा रहा है, टाइम बाय किया जा रहा है और ड्रैग करने की कोशिश की जा रही है सारी केस को, डू यू थिंक अगर इसी तरह चलता रहे तो फिर उस पर भी कोई नुक्ता इतराज़ नहीं उठाया जा सकता अदालत की तरफ से कि नहीं भाई आपने ड्रैग किया है ये केस या टाइम बाय किया है इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं दिया जा सकता, कैन द सुप्रीम कोर्ट कम अप? जी नहीं, देखिए ना, अगर वक्त इस चीज पे सर्फ होता है कि अदालत में पहले अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये इस्तदा की जाती है कि चार्ज जॉइंट हो, 3 अलहदा मुकदमे ना चले, एक मुकदमा चले, नहीं नुकता है, कानूनी मामला है, और अगर इसको सुलझाने में इसका फैसला आने में कुछ वक्त लग जाता है तो उस वक्त को आप मुलजमान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके किसी दिफा के हक महदूद नहीं कर सकते इस वजह से कि कोई कानूनी नुक्ता उठाया गया था और उस नुक्ते को हल करने में वक्त लगा। ये मामला कानून के मुताबिक होते हैं, आम मुकदमात में भी वक्त लगता है और हर एक को हक हासिल है कि जो भी कोई कानूनी नुक्ता उठाना चाहे अपने दिफा में या इस्तगासे की तरफ से तो उनको ये मौका दिया जाए। लेकिन सलमान अकरम इज मियां नवाज शरीफ साहब सेइंग कि उनको सजा मिलनी नहीं है, सजा दिलवाई जा रही है, सो व्हाई इज ही कमिंग अप विद सच स्टेटमेंट्स? क्या उनको जबरदस्ती को सजा दिलवाई जा रही है, दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू? देखिए, इस बारे में तो वही बेहतर बताएंगे ना, उनको जो मालूम, आप उनके पास हैं, आप उनके करीब हैं, आप ज्यादा बेहतर नहीं बता सकते? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई उनके जहन को जानता हूँ या उनकी मालूम से वाकिफ हूँ, वो एक सियासी शख्सियत हैं, समझ बूझ के मुताबिक वो बयान देते हैं, मौकफ अपनाते हैं, बतौर सियासतदान उनका ये हक है कि वो अपने खदशात का इजहार करें, तो मेरे लिए बतौर एक कानून के तालिब इल्म इस बारे में कुछ कहना मुमकिन नहीं है, ये तो एक उनका एक उनकी सियासी समझ पर मबनी है। सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज राजा साहब के ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है? देखिए, ये जाहिर है कि एक बयान है, मैं ये नहीं कह रहा कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट उस
में कि जिसकी कोई बुनियाद ना हो, अगर उसकी कोई बुनियाद है तो वो उससे वाकिफ हैं, मेरे लिए कुछ कहना मुमकिन नहीं है। जस्टिस साहब, Why is this statement coming in जी, जो मियाँ साहब दे रहे हैं, क्या इस पर आप कोई कॉमेंट करना चाहेंगे जी कि वो कह रही जा रही है? देखिए ये तो बिल्कुल एक पोलिटिकल स्टेटमेंट है। आफ्टरऑल नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक सियासतदान हैं और वो अपनी तरफ से स्टेटमेंट देते हैं जो देना चाहिए, और अपने आप को मजलूम दिखाना हर एक सियासतदान चाहता हाथ में होता है तो अपने आप को मजलूम दिखाने की कोशिश करता है, तो वो भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। मेरे ख्याल में इसकी कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं है। ट्रायल तो शुरू हो गया, ट्रायल तो एविडेंस के बेसिस पे होगा, जो फैसला होगा वो फैसला यकीनन होगा, उनके कहने या न कहने से कुछ नहीं होगा। छह महीने के बाद होगा डिपेंड करता है, ये कहना कि 6 महीने में ही होगा ये भी सही नहीं है, चूंकि जब तक के कानून के तकाजे पूरे नहीं होते वो ट्रायल होता रहेगा। आपको मालूम है जो अभी उन्होंने जो डिटेल जजमेंट दी थी रिव्यू पिटिशन में, उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि हमारा मकसद मॉनिटरिंग से ये नहीं है कि हम जबरदस्ती करेंगे, हमारा सिर्फ मकसद ये है कि हम देखते रहेंगे कि कोई बिला वजह डिले ना हो। और वैसे भी मुझे तो मालूम है अपनी प्रैक्टिस में इतने अरसे से 40 साल की प्रैक्टिस में कि सुप्रीम कोर्ट ने कितनी दफा ऑर्डर किया कि 3 महीने में हो जाए, 4 महीने में हो जाए, और वो 4 साल में भी नहीं हुआ फैसला। तो ये तो बात नहीं है, तकाजे पूरे होंगे, फैसला जो होगा इवेंचुअली एविडेंस के बेसिस पे होगा, और किसी के कहने या उसके मुताबिक प्रोटेस्ट करना या क्रिटिसाइज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो एक चीज पे आप मुत्तफिक हैं कि जो चीज है, जो टाइम बार है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो एक्सटेंड भी हो सकता है, 6 माह से मसला आगे जब तक कानून एक्सटेंड की बात ही नहीं है रान साहब, एक्सटेंड की बात यहाँ पे तो जब ये ऑर्डर दिया, जब सुप्रीम कोर्ट कभी कहती है कि 3 महीने में हो जाना चाहिए, 6 महीने में हो जाना चाहिए जी। तो वो ये कह रहे हैं कि शुड एंडेवर टू फिनिश इट इन 6 मंथ्स, ये नहीं है कि जी अगर आप नहीं करेंगे तो आपको दोबारा परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, सो अगर मैं इसको इस तरीके से फ्रेज करूँ जो आपने कहा है कि इसमें कोई कंपल्शन नहीं है जी, नहीं बिल्कुल कोई कंपल्शन नहीं। ओके, सो यहाँ पे आफताब बाजवा साहब, आप तो कह रहे जी कि 14 साल की सजा हुई और 14 साल ठुके ही ठुके, तो यहाँ पे तो शायक साहब भी यही कह रहे हैं, सलमान अकरम राजा साहब भी यही कह रहे हैं, और कि यहाँ पे कोई ऐसा कि जब तक कानूनी तकाजे पूरे नहीं होंगे उस वक्त तक 6 माह हो या 4 साल लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक कानूनी तकाजे पूरे नहीं होंगे उस वक्त तक फैसले नहीं आ सकते। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं अपने भाइयों से, लेकिन बीइंग एज अ क्रिमिनल ट्रायल लॉयर मैं आपको ये बात वाजे करता हूं, ऐसे केसेस जो सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्री क्यों, उनके फैसले आप तो 6 माह कहते हैं, मैं कहता हूं 6 हफ्ते ही बहुत ज्यादा है उनके लिए, वो 6 हफ्ते में भी कंक्लूड हो सकते हैं और वो बड़े वाजे शहादतें होती हैं, वो डॉक्यूमेंट कि जनाब ये कुछ है। लेकिन टाइम लेना, हम देखो हम वकील हैं, हम तो हमेशा कोशिश करते हैं, जैसे डॉक्टर आखिर दम तक यही कहता है वेंटिलेटर पे मरीज होता है कि मरने नहीं, तो ये नहीं मरने नहीं जा रहा मरीज, हमने कभी वकील ने भी कहा है कि भी वो उसको फांसी के तख्ते पे लेके जा रहे होते हैं मुल्जम को, भी तुम्हें फांसी लगा देंगे, हम तो यही कहते हैं मरीज अच्छे वाले से बात होगी है वो आदिला रखेगा भाई, हम आखिर दम तक हम भी कोशिश करते हैं वकील। लेकिन जो हकीकत है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जब भी आ जाती है वो उसको उसको कंट्राडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, उसको निगेट करना बहुत मुश्किल होता है, वो ऐसी शहादत होती है भाई। आप राणा मुर्शिद साहब, आपके हाथ में एक मोबाइल है, कौम सिर्फ ये पूछ रही है आपने कहां से लिया है, आपने उसका जवाब देना है, इससे ज्यादा तो बात है ही नहीं इस केस में। यही बात पूरा साल सुप्रीम कोर्ट कहती रही, यही बात आगे रिव्यू पिटिशन में इन्होंने करके कही, लेकिन उसका जवाब नहीं आया। लेकिन इरफान कादिर साहब कहते हैं कि जो आपके पास केसेस आते रहे हैं, जो क्रिमिनल केसेस आपके पास वो डिफरेंट थे, जो केस ये इसके साथ आप उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। मैं माफी चाहूंगा जी, मैंने इस वक्त पाकिस्तान का जो मशहूर केस है वो है डबल शाह का केस, याद होगा गुजरात में उसने अरबों खरबों पे उसने कटा किया था लोगों से डबल करने के, और मुझे याद है कि
किताब ही मैंने ही लिखी थी, अच्छा, उसमें मैंने ही इसको पब्लिश करवाया था। और 99 में पहले सारे केस 20 के करीब मैं ही अकेला वकील होता था, मैं अपनी कोर्ट में सर्कट हाउस में, और कोई आदमी मैंने आज तक कोई वकील नहीं देखा था। उसके बाद मंजूर मलिक साहब आज कल हमारे जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो आए, उसके बाद कुछ और दोस्त आए, तो मैंने ये पूरा केस, मुझे नैब की पूरी प्रोसीडिंग का पता है। ये जो इसके अंदर जो एक सेक्शन दिया गया हुआ है, तो ये रिजीन में रख लीजिए कि आने वाले वक्तों में मियासमान वही करेंगे, अच्छा, मुझे नजर आ रहा है। अच्छा। इसमें बड़े बड़े लोग करके प्री बार्गेन, जिनके खिलाफ एक नहीं, लेकिन आप प्री बार्गेन अगर आप करें तो आपका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा बाजवा साहब? खत्म सियासी मुस्तकबिल, वो तो सलाह के जुमले में आ जाता है ना, कंसेशन होता है। मैं यही पूछ रहा हूँ ना, फिर तो कहानी खत्म होगी। कहानी क्या खत्म होगी, वो तो प्री बार्गेन होती ही कंसेशन है। वही मैं कह रहा हूँ, प्री बार्गेन अगर होगी तो फिर तो आपकी कहानी खत्म होगी। तो व्हाई वुड दे गो फॉर प्री बार्गेन, अपना सियासी कैरियर कैसे खत्म करेंगे खुद? ये सियासी कैरियर खुद ब खुद खत्म करने के लिए अभी भी तैयार हैं, अभी भी इनको ऑफर दे प्री बार्गेन की, क्योंकि ये जेल जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन प्री बार्गेन करने के लिए तैयार है कि जी इतनी रकम हमसे ले लें, इतनी ना लें। ये आप किस सूख से कह रहे? जी मैं बिल्कुल प्रूफ से कह रहा हूँ, क्योंकि अभी वो अभी आप ये 3-4 रेफरेंस देख रहे हैं, मैं तो पाइपलाइन में 16 रेफरेंस देख रहा हूँ, 15 से 16। ये पेपर मिल बहुत खतरनाक है। और उसके बाद राणा मुबशर साहब, आपके प्रोग्राम में एक इंकशाफ करता चलूं, आपने अभी पनामा लीक देखी है, पैराडाइज लीक देखी है, अभी आपने आने वाली अनकरीब इन्हीं वक्तों में वो इन 50 से ज्यादा पार्लियामेंटेरियन जजेस, जर्नैल, जर्नलिस्ट, वकला और वो सरमायादार शामिल है जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, अली है। आप परेशान ना हो, इन करीब देखे तो सही इसका अंजाम क्या होता है, ये नजर आ जाएगा सबको। सबको पता है इस मुल्क को किस किस ने लूटा और किन किन हाथों से लूटा और किस बेदर्दी से लूटा है। उस किसान का क्या कसूर है जो सारी रात जागता है और पानी फसलों की हिफाजत करता है, दरिंदों के साथ मुकाबला करता है, मुख्तलिफ खतरनाक जानवर जो है वो सांप है, बिच्छू है, उनका मुकाबला करता है, फिर उसको आप ना सब्सिडी देते हैं पानी में, ना बिजली में, और ये अरबों खरबों हो जाए रातों रात, ये किस तरह मुमकिन है? कौम अब हिसाब मांग रही है, कौम को हिसाब देना पड़ेगा। अच्छा, कौम तो बाजवा साहब हिसाब मांग रही है, कौम जो कुछ भी मांग रही है वो तो अगर वोट का बता दे कि कौन क्या मांग रही है। लेकिन अभी जो आपने बात की है वो बहुत बड़ी बात की है, आपने कहा है जी कि अभी प्री बार्गेन करने के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तैयार हैं और वो करने के लिए तैयारी पकड़ चुके हैं। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग? जी सिर्फ तैयारी नहीं पकड़ चुके, मिन्नत तल्ले भी कर रहे हैं, मिन्नत तल्ले लोगों के पास पहुंच चुके हैं। अच्छा, मिन्नत तल्ले इनके इनके लोग जो है, मैं गुजारिश करूंगा, सिर्फ प्री बार्गेन करने के लिए तैयार नहीं है, ये तैयार है कि जनाब जो आप लेना चाहते हैं हमसे ले लें, हमें माफी दे दें, यहां तक ले लें, चले हमें, मुझे नवाशी साहब कहते हैं माफ कर दें लेकिन मरियम को बचा लें, ये फिर भी बादशाही सिस्टम को जारी रखना चाहते हैं जो आने वाले वक्त तो ना, पूरे मुल्क में देखिए, पूरे मुल्क में करप्ट लोगों को पकड़ा जा रहा है। किसकी मिन्नत तरले कर रहे हैं बाजवा साहब? आपने कहा मिन्नत तरले कर रहे हैं, किसकी मिन्नत तरले कर रहे हैं? आने वाले वक्तों में ये बातें सारी सामने आ जाएंगी। इरफान भाई साहब को जानते हैं, बैठे हुए हैं, इनको भी पता है, शायद उस्मानी साहब मेरे बड़े भाई हैं, सीनियर हैं। चले इरफान साहब से पूछता हूँ, पहले आप बता देना किसकी मिन्नत तरले कर रहे हैं कि जी हमारी जान छोड़ दे, हम प्री बार्गेन करने के लिए तैयार हैं, मियां नवाज शरीफ किसको कह रहे हैं? देखिए देखिए, पहले कहते थे एक जान, दोनों भाई शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, अब दोनों के रस्ते अलग अलग है। शहबाज शरीफ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जनाब नहीं लड़ना, हमें नहीं इदारों से झगड़ना, वो ठीक है जी, वो बड़ी ऑब्वियस बात है, आप उसको बताए ना बाजवा साहब किसकी मिन्नत तरले मियां नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं कि प्री बार्गेन कर ले और हमारी जान छोड़। सर मैं एक बार करूं ना साहब, जब ट्रायल होते हैं ना, इनमें एविडेंस आती है, इनमें 2 महीने 4 महीने 6 महीने लग जाते हैं। अभी ये अपने आप को बड़ी दिलेरी से कौम के सामने कहते रहेंगे, जलसे करते रहेंगे, हम अदालतों को फेस करेंगे, हम अदालतों का मुकाबला करेंगे, हम अदालतों में जाएंगे, ये तरीका है अदालतों में जाने का, 100-100 गाड़ी लेके। तो फिर अगर ये बाजवा साहब तो किसकी मिन्नत तरले कर रहे हैं आप, वो तो बताइए ना। आपने कहा कि जी मिन्नत तरले कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ को प्री बार्गेन करने के लिए भी तैयार है और मिन्नत तरले भी कर रहे हैं कि उनकी जान खलासी हो जाए, तो वो किसकी मिन्नत तरले कर रहे हैं? कौन है वो शख्स या कौन सा है वो इदारा जिसकी मिन्नत तरले कर रहे हैं? मैं राणा साहब आपको, इन्होंने मुशर्रफ को इन्होंने भर्ती किया, इनको लेके आए, मुशर्रफ को इन्होंने निकाला, फिर मुशर्रफ ने इनको निकाला। I have a different question. I'm not talking about Musharraf. I'm not talking about history. I'm talking about what you had said right now.
वो उसका जवाब मैं इशारा था मैं आपको बता इनकी मिनते कर रहे हैं जिनको डाउन लीग्स में इन्होंने लेट डाउन करने की कोशिश की, जिनको और बड़ी बातों में इन्होंने लेट डाउन करने की कोशिश की, यहां तक ये तैयार थे कि ये जो न की जाए, ये भी अगलों ने अपने मुल्क को बचाने के पाकिस्तान को बचाने के लिए। अच्छा चले मैं समझ गया, ठीक है ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਦਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਅਸ਼ਖਾਸ ਜੋ ਹੈ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲੇ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨਕੀ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਆ ਇਨਕੋ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦੇਂਗੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਪੇ ਜਾਂ ਦਿਲਵਾ ਦੇਂਗੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਪੇ? ਦੇਖੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਅਬ ਨਾ ਤਾਂ 1997 ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤੇ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਵਕਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ। 2018 अब आ रहा है वक्त करप्शन के खात्मे का, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में देखेंगे ये लोग भाग जाएंगे सारे के सारे। 50% पार्लियामेंट आपको पूरे मुल्क में नहीं मिलेंगे, मैं आपको साफ बता रहा हूं, दीवार पे लिखा हुआ है। करप्शन के खिलाफ एक जिहाद शुरू कर दिया है, मैंने बतौर सेक्रेटरी को बार ऐलान किया था कि वॉर अगेंस्ट करप्शन हम अदालतों के साथ करेंगे। देखिए हम आईन के सिपाही हैं, आईन पाकिस्तान के वकला सिपाही हैं और आईने पाकिस्तान पे इंप्लीमेंटेशन करवाती है अदालतें, अदालतों को पीछे वकला करे हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि अदालतें यही वो अदालतें हैं रूल ऑफ लॉ की हमने 2007 में जो तहरीक चलाई है उसकी मजबूत हुई हैं। उन्हें बादशाह वक्त चाहे गिलानी हो चाहे नवाज शरीफ हो, उनके खिलाफ फैसले दिए हैं और गिलानी साहब के वक्त जब फैसला दिया तो मिस्टर जस्टिस आसिफ सिंह खोसा, एजाज अफजल साहब और गुलजार साहब इसी लार्जर बेंच में बैठे हुए थे, उस वक्त तो फैसला बहुत अच्छा था। अब फैसला आया है इन्हीं जजों ने, फैसला ठीक नहीं है, ये शांत और अच्छा, वही बात मैं करूंगा जो नबी करीम सल्लम ने फरमाया था फातिमा बिन तकैस के फैसले में, अगर फातिमा बिन मोहम्मद भी चोरी करी तो आज करने का हुक्म दे दूंगा। तो अब वक्त आ गया दोरे म्यार का, अब जो है मुनसफाना जो है वो निजाम है। अच्छा ठीक है बिल्कुल ठीक है आफ्ताब बाजवा साहब। इरफान कादिर साहब, बाजवा साहब ने आप पे भी जनाब रख दिया मुद्दा और उन्होंने कहा जी कि आपको भी पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब किस की मिन्नत तरले कर रहे हैं कि प्री बार्गेन भी करने के लिए तैयार हैं और कहते हैं जी हमारी जान खलासी हो जाए। आप भी उसी तरफ इशारा करेंगे जिस तरफ आफताब बाजवा साहब ने किया है या आपके पास कोई दूसरी इंफॉर्मेशन? देखिये मेरे पास कोई गायब का इल्म नहीं है, ना ही मैं इन्फॉर्मेशन कट्ठी करता फिरता हूँ, ना ही मैं सू लेता फिरता हूँ। बाजवा साहब ने गलत कह रहे हैं, क्या नहीं किया बाजवा साहब गलत कह रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये करता हूँ कि मैं अदालत के फैसले हों या कोई पार्टी हो उसमें, मैं तो कानून की और आइन की कसौटी पे तमाम चीजों को पढ़ता, तो मुझे कोई गायब का इल्म नहीं है, ना ही मैं कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हूँ या कोई इंटेलिजेंस एजेंसी हूँ कि मैं इन चीजों को इन शवाहिद को इकट्ठा करता रहता हूँ, तो मैंने तो ये चीज कभी की नहीं है। तो ये बाजवा साहब आप पे गलत इल्जाम लगा रहा है? मैं नहीं, इल्जाम के उनका ख्याल होगा लेकिन वो समझते हैं कि मुझे बड़ा पता है लेकिन मुझे इन चीजों का नहीं पता, मैं इन चीजों अच्छा। और कुरान में भी अल्लाह मियां भी कहता है कि किसी पे ऐसे ही बेजा शक नहीं करना चाहिए और लोगों के मामलों में बहुत नोजी नहीं होना चाहिए। अच्छा चले शाइक साहब, ये बाजवा साहब इससे कि को मिन्नत तरले किए जा रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से, बाजवा साहब इज सेइंग दिस और कहा यह जा रहा है कि वो प्री बार्गेन भी मियां होने के लिए तैयार हैं और बट किसी तरीके से उनकी जान खलासी हो जाए, इज इट पॉसिबल? जी हो सकता है ऐसे? देखिए पहली बात तो ये है कि ये उनकी पर्सनल कोई इंफॉर्मेशन हो तो अपनी जगह पर, हमें तो इल्म नहीं है ना, अब ये चीज मंजर आम पे आई है और जिस तरह की स्टेटमेंट्स नवाज शरीफ दे रहे हैं उससे तो जाहिर नहीं होता कि वो किसी किस्म बागेन की तरफ जा रहे हैं। ये जो अपेरेंटली जो नजर आ रहा है, अब कोई अपनी पर्सनल बैकडोर से चैनल से कुछ हो रहा हो उसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि ऐसी चीज कोई होगी, क्योंकि अगर नवाज शरीफ साहब ने ऐसा कुछ किया तो इसके मतलब हुआ कि वो और उनकी सारी फैमिली की जो सियासत है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। राव साहब मैं माफी चाहूंगा, आपने प्यारा केस में देखा होगा जब प्यारा केस चल रहा था उस वक्त मुआशियों के बयान तो उठा के देख लें, जब जेल में थे उस वक्त के बयान तो उठा के देख लें, जब उन्होंने एनआरओ जो मुशर्रफ के साथ किया और मुल्क से बैठा के देख लें, ये हिस्ट्री है, हम जानते हैं लोगों को,
मुसलमान एक दफा एक सुराख से दोहरा जाता है, बार बार ही दोहरा जाता है। इन लोगों की हिस्ट्री का पता है हमें, ये है क्या, ये भाग जाएंगे इनको, इनको कुछ मैं साफ कह रहा हूँ आपको। लेकिन वो जो शायक साहब जो बात कह रहे हैं बाजवा साहब, वो भी एक बड़ी वजनी बात है कि सारे फैमिली का जो कैरियर है, जो पॉलिटिकल कैरियर है, वो स्टेक पे लगा के या खत्म करके कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल और इज इट पॉसिबल, आई डोंट नो, इट इज अ क्वेश्चन। मैंने राणा साहब जो लफ्ज बार्गेन इस्तेमाल किया, वो कहते हैं सिर्फ मरियम को छोड़ दें, हम सब तैयार हैं बार्गेन के लिए, हम निकल जाते हैं, सारा मरियम पे जो मलबा है वो छोड़ दें, उसके लिए हम तैयार हैं। उसके लिए अब देखें आने वाले वक्तों में क्या फैसला होता है। अच्छा चले, शायक साहब डू यू एग्री विद दिस वन, कोई कोई करीब तरीन भी इस किस्म की बात आपको समझ आती है? नहीं, मेरे ख्याल में तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो नवाज शरीफ का जो मेरे ख्याल में जो अभी तक जो स्टांस रहा है वो ये कि वो जुडिशरी को अंडर प्रेशर रखना चाहते हैं कॉन्स्टेंटली, और साथ साथ अपने आप को डिफेंड भी करना चाहते हैं और मामले को तूल देना चाहते हैं ताकि किसी न किसी तरीके से सेनेट के इलेक्शन हो जाए और उसमें उनको मेजॉरिटी सेनेट में मिल जाए और उसके बाद इस किस्म की अमेंडमेंट्स कर सकें कॉन्स्टिट्यूशन में कि नैब के कवानीन चेंज हो सकें और दूसरी चीजें चेंज हो सके। ये मेरे ख्याल में उनकी स्ट्रेटजी है, और ये कहना कि वो अपनी बार्गेन करेंगे, मेरे ख्याल में इसका तो कोई, मुझे तो कोई इसका शायदा तक नजर नहीं आता। डू यू थिंक अपना इरफान कादर साहब के सेंस तक केस का कोई फैसला आ सकेगा या 10 मार्च तक कोई फैसला आ सकेगा या नहीं आ सकेगा, या सेनेट के इलेक्शंस होंगे, या आपके ख्याल में, इट्स अ पॉलिटिकल क्वेश्चन बट देन अगेन इट्स हाफ ऑफ इट इज अ पॉलिटिकल क्वेश्चन, कि डू यू थिंक सेनेट के इलेक्शंस तक ये गवर्नमेंट चल सकेगी? ये जो आप फरमा रहे हैं, देखें सुप्रीम कोर्ट ने ये सारा फैसला जो है वो टेंटेटिव असेसमेंट की है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उन्होंने एक साल लगा के टेंटेटिव असेसमेंट की है, और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब ने तो सारी चीज को दे दिया था जो पीटीआई की पिटीशन थी उसको, और उसके बाद एक चीफ जस्टिस आए जहीर जमाली, और वो रिटायरमेंट से कोई 10-15 दिन पहले इस केस से दस्तरदार हुए और बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ, और कई 100 घंटे से भी ज्यादा की हियरिंग्स जो हैं वो हुई और टेंटेटिव असेसमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी, क्योंकि रिव्यू में उन्होंने वजाहत कर दी कि ये जो कुछ भी हमारी फाइंडिंग्स हैं ये टेंटेटिव हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के 5 जज जो हैं वो इतने लंबे अरसे में सिर्फ टेंटेटिव फाइंडिंग्स दे सके हैं इतनी हियरिंग्स के बाद, तो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से कैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। मैं सिर्फ जाते जाते ये कहना चाहूँगा कि ये केस जो है बहुत अहम है, और इस पर जो एक राय कायम की जा रही है कि 6 माह के अंदर अंदर इसका फैसला हो जाना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट ने जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि 6 माह फैसला हो जाने चाहिए, ये कोई हरफे ये कोई आखिरी चीज़ नहीं है, दिस इज़ नॉट अ डेड लाइन, इट कैन बी, लेट मी पुट इट दिस वे, दिस डेड लाइन कैन बी एक्सटेंडेड ऑल्सो। दूसरी बात यह है कि एक आवाज़ें आ रही हैं, जैसे आफ्ताब बाजवा साहब कह रहे हैं जनाब के प्री बार्गेन करने के लिए तैयार हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, और लेकिन वो चाहते ही हैं कि मरियम बीबी को उसमें से आउट कर दिया जाए, उन पर जो एलिगेशन हैं उनको उसमें से निकाल दिया जाए, बाकी सब लोग प्री बार्गेन करने के लिए तैयार हैं। बट दिस इज़ ऑब्जर्वेशन ऑफ आफ्ताब बाजवा साहब, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। जी फिलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।